हेलो दोस्तों, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते हैं और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं तेजेंद्र सिंह और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल YouTube नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एक इंग्लिश रिविज़न क्लासेस लगातार चल रही है दोस्तों, और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों Day 9। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, हम पहुँच चुके हैं नाइन्थ डे यानी कि Day 9 में दोस्तों। और चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ दिस वीडियो दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, हम पहुँच चुके हैं 9वें दिन में दोस्तों। और यहाँ पे हम आज सीखेंगे दोस्तों, रिविजन करेंगे दोस्तों दिन, महीने और समय का दोस्तों। डेज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, डेज, मंथ एंड टाइम का दोस्तों। तो दोस्तों, सप्ताह के दिन सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह के दिन, डेज ऑफ ए वीक। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, डेज ऑफ वीक यानी कि सप्ताह के दिन। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला दिन होता है हमारा, वो होता है संडे। संडे मीन्स होता है दोस्तों रविवार। दूसरा होता है दोस्तों मंडे। मंडे मीन्स होता है दोस्तों सोमवार। ट्यूसडे मीन्स होता है दोस्तों मंगलवार। वेनसडे मीन्स होता है दोस्तों बुधवार। थर्सडे मीन्स होता है दोस्तों बृहस्पतिवार। फ्राइडे मीन्स होता है दोस्तों शुक्रवार। और सैटरडे आपका होता है यहाँ पे शनिवार दोस्तों। सैटरडे मीन्स शनिवार दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों वर्ष के माह की बात। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ष के माह की दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं दोस्तों, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए हम इसको बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा महीना होता है दोस्तों, मंथ होता है, वो होता है दोस्तों जनवरी, JANUARY, जनवरी। जनवरी मीन्स होता है दोस्तों जनवरी। अब दोस्तों हम महीनों के दिन की बात करें, जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 डेज होते हैं दोस्तों। कितने, 31 डेज होते हैं दोस्तों। हमारा जो सेकंड मंथ दोस्तों वो होता है फरवरी, यानी कि FEVRUARY, फरवरी। फरवरी मीन्स फरवरी, यानी कि अब हमारी दोस्तों ये फरवरी होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है दोस्तों। 29 की कब होती है, जब आपका 4 साल बाद लीव बर्स आता है आपका, तब आपकी 29 की फरवरी होती है दोस्तों, ना वरना आपकी 28 की फरवरी होती है दोस्तों। थर्ड मंथ है दोस्तों जो हमारा, वो है मार्च, MARCH, मार्च। मार्च मीन्स होता है दोस्तों मार्च। ओके दोस्तों, हम चलते हैं दोस्तों नेट स्लॉट पे, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो फोर्थ मंथ है दोस्तों वो है यहाँ पे अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अप्रैल। तो अप्रैल की स्पेलिंग होती है दोस्तों APRIL, अप्रैल। अप्रैल मीन्स अप्रैल, यानी कि ये अप्रैल दोस्तों होती है आपकी 30 दिनों की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही चुना आपने, अप्रैल होती है 30 दिनों की। MAY, मई मीन्स होता है दोस्तों मई। 31 की होती है दोस्तों आपकी ये जून, JUNE, जून। जून मीन्स होता है दोस्तों, जून मीन्स होता है जून। तो दोस्तों ये होती है आपकी 30 दिन की होती है दोस्तों। जुलाई, JULY, जुलाई। जुलाई मीन्स होता है दोस्तों जुलाई, यानी कि आपकी होती है ये 31 दिन की। अगस्त, AUGUST, अगस्त। अगस्त मीन्स होता है अगस्त। 31 डेज की होती है दोस्तों आपकी ये सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर मीन्स होता है दोस्तों सितंबर। आपकी ये होता है दोस्तों 30 दिनों का मंथ होता है ये आपका। यहाँ पे वो दसवां महीना दोस्तों अक्टूबर का, OCTOVER, अक्टूबर। अक्टूबर मीन्स अक्टूबर। 31 डेज का होता है दोस्तों आपका ये नवंबर, NOVEMBER, NOVV, यानी कि वाइस नंबर वाली, VEMVER, नवंबर मीन्स नवंबर। ये आपका 30 डेज का होता है दोस्तों। दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर मीन्स होता है दोस्तों का दिसंबर, और आपका ये 31 डेज का होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिन के भाग की दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे दिन के भाग की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे। ओके देखिए, पार्ट्स ऑफ डेज। ओके दोस्तों, पार्ट्स ऑफ डेज। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे डॉन, ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉन।
DAWN डॉन, डॉन मीन होता है दोस्तों सूर्योदय से पहले, यानी कि सूर्य उदय से जो पहले का समय होता है उसके लिए हम बोलते हैं डॉन। दोस्तों सुबह के लिए बोलते हैं मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मीन्स सुबह। नून, नून दोस्तों होता है जो आपके सटीक 12:59, जो आपका 11:59 होते हैं दोस्तों, तो तुरंत आपका पूरा सटीक 12 बजते दो उसे बोलते हैं नून, यानी कि दोपहर। अब दोस्तों 12 बजे के बाद अगर एक भी आपका मिनट आपका ऊपर बढ़ता है आपका, तो हो जाता है आपका दोपहर के बाद दोस्तों, तो उसके लिए बोलते हैं आफ्टरनून, तो AFTERNOON आफ्टरनून, तो दोपहर बाद। अब मिड डे, MIDDAY मिड डे मीन्स होता है दोस्तों मध्यान्ह। इवनिंग, इवनिंग मीन्स होता है दोस्तों सायंकाल। डस्क, DUSK डस्क, डस्क मीन्स होता है दोस्तों सूर्यास्त, जब उसको आपका सूर्य अस्त होता है तब ये बोलते हैं सूर्यास्त, यानी कि डस्क बोलते हैं सूर्य। नाइट, रात्रि, यानी कि NIGHT नाइट, नाइट मीन्स रात्रि। डे, डे मीन्स होता है दोस्तों दिन, DAY डे मीन्स दिन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं यहाँ पे कल, आज और कल, यानी कि वर्ड्स रिगार्डिंग डेज, वर्ड्स रिगार्डिंग डेज। तो टुडे मीन्स होता है दोस्तों आज, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, टुडे मीन्स आज, TODAY टुडे मीन्स आज। यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। टुमारो मीन्स आने वाला कल, TOMORROW टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो, DAY डे आफ्टर, AFTER आफ्टर, TOMORROW टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मीन्स आने वाला परसों। डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे परसों जो गुजर गया, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे मीन्स होता है दोस्तों परसों जो गुजर गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मौसम एवं ऋतुओं की बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, मौसम एवं ऋतुओं की बात करेंगे हम यहाँ पे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है हमारा वेदर एंड सीजन, मौसम के लिए दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, एंड सीजन, सीजन मीन्स होते हैं दोस्तों ऋतुएँ। तो सबसे पहले हमारा सीजन, सीजन मीन्स होता है दोस्तों ऋतु, SEASON सीजन मीन्स ऋतु। वेदर, वेदर मीन्स होता है दोस्तों मौसम। ऑटम, ऑटम मीन्स होता है दोस्तों पतझड़ का मौसम। समर, समर मीन्स होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। स्प्रिंग मीन्स होता है दोस्तों बसंत ऋतु। विंटर मीन्स होता है दोस्तों शीत ऋतु। और रेनी सीजन मीन्स होता है दोस्तों वर्षा ऋतु। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्मरणीय महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, इसको हमें याद रखना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं स्मरणीय सूत्र, यहाँ पे हम बात करेंगे स्मरणीय पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ओके दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, परंतु लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, संपूर्ण वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु लीप ईयर में 366 दिन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे दोस्तों ये रिमेंबर पॉइंट है, स्मरणीय आपको याद रखनी है दोस्तों इन पॉइंटों को, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। तो अंग्रेजी भाषा में रात्रि के 12 बजे के बाद, रात्रि के 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक AM कहा जाता है, और दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक समय को PM कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ दोस्तों, वीक कॉमा मंथ तथा ईयर के आगे LY लगा देने पर संज्ञा शब्द काल सूचक विशेषण बन जाता है, जैसे वीकली, मंथली, ईयरली। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो फिफ्थ पॉइंट है डॉन, यानी कि DAWN डॉन, सूर्योदय से तुरंत पहले के समय को कहा जाता है। और डस्क, सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रारंभ होने के तुरंत पहले के समय को मिड डे अर्थात मध्यान्ह उस काल को कहते हैं।
जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, परंतु व्यवहारिक रूप में इन तीनों शब्दों की जगह मॉर्निंग, इवनिंग और नून शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों की आज की क्लासेस बहुत ही शानदार जबरदस्त रही होगी दोस्तों। अब क्या करना है आपको, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।